ऐसा हम केस देखने को मिला है, अगर नजर नहीं पड़ती तो शायद। और इसी तरह से दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर पंचायत सर्वमित्र में। ये तहसील में काफ़ी साथ दिया है, तो अभी फिर दोबारा से आज रात्रि का समय है, तो यहाँ पर हमें इन लोगों को सांप दिखाई दिया। शायद हो सकता है वो है या कोई और भी हो सकता है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। रात्रि में खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये भाई से आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार जी, तहसील से कर्मचारी हूँ। तो आपने सांप देखा था? हाँ जी बैठा। इसका मुंह इधर है जी, कॉमन करत है। ये तो कॉमन करत सांप है, ये वो वाला सांप नहीं है दोस्तों, जो जिसके लिए हम शायद वहाँ कल यहाँ पर आए थे। और ये रात्रि में निकलने वाला रात्रि चर सांप होता है, काफी खतरनाक ही होता है। कॉमन करत है, सोते हुए व्यक्ति को दस्ता है, और कभी भी आपको बाई चांस कभी दिन में नहीं दिखाई देगा, ये रात को दिखाई देता है। और इसके काटने का बहुत कम मालूम होता है। देखिएगा ये बाई चांस इनकी नजर इस पे पड़ गई, अगर नजर नहीं पड़ती तो शायद आज ये बाइट कर जाता तहसील में किसी न किसी को। बरसात का समय है, और बरसात 3-4 दिन से खतौली में लगातार हो रही है, तो बरसात के कारण कि जो बिल होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो ये फिर अपने स्थान से निकल कर बाहर आ जाते हैं और अपने भोजन की तलाश में ये रिहायशी इलाकों में या घरों के अंदर घुस जाते हैं। तो देखिएगा काफी मोटा सांप ही है। दोस्तों काफी खतरनाक सांप ये है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम इसमें होता है, और इसके काफी बारीक दांत होने के कारण पता नहीं चलता कि सांप ने काटा है। कई बार ऐसा हम केस देखने को मिला है कि रात्रि में किसी को सांप ने काट लिया, और इसमें थोड़ा बहुत दर्द होता है पेट में, ऐठन होती है। तो क्या है, लोग ये समझते हैं कि शायद गैस वैस का दर्द होगा, गैस के कारण दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के जाते हैं वो और गैस के दवाई लेकर फिर लेट जाते हैं। पता चलता है कि सुबह वो व्यक्ति मृत मिलता है। जो रात में केस होते हैं कि सुबह रात सही लेटा था और सुबह मृत मिला, तो उसका कारण 90% ये सांप होता है कि कुछ भी नहीं हुआ और कई निशान भी नहीं मिलते इसके काटने के। और इसी तरह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, जैसे गैस में दर्द होता है, शरीर में ऐठन होती है, और नींद आनी शुरू हो जाती है। वैसे भी रात्रि में जब नींद आती है व्यक्ति भी सोचता है कि नींद तो आनी है। ये देखिएगा काफी लंबा सांप ही है, कम से कम भी 3-4 फुट के आसपास, काफी खतरनाक होता है। ये देखिए बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, इनको ही दिखाई देगा, मुझे कॉल कर दी। दोस्तों आप भी ऐसा करिएगा, कहीं भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई दे तो खुद छेड़छाड़ी ना करें, हमें कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिलेगा। क्यों छोड़ेगा, ये काफ़ी खतरनाक होता है। ये देखिएगा अब ये कहीं जाएगा हमारे कब्जे से, ये जानते हैं कि हम कौन है, बस ये इतना नहीं जानते कि बचा रहे या मार रहे। ये देखिएगा दोस्तों, ये जीव एक ऐसा जीव है, कभी पालतू नहीं हो सकता और कभी अपने पराई में इसको अंतर नहीं होता। जब इसको भूख लगती है तो ये अपने बच्चे भी खा जाता है। और ये सांप एक ऐसा सांप है जो रात्रि में ही घरों के अंदर मिलता है, जिसका मेन कारण होता है एक वुल्फ स्नेक सांप होता है जो छिपकली को खाता है, और छिपकली को खाने के लिए ये घरों के अंदर घुसता है। काफ़ी जहरीला ही होता है, कोबरा का कम से कम भी 12% असर करता है जहर, और इसका करता है 5%, यानी कि 5% ज़्यादा खतरनाक इसका जहर होता है कोबरा से। ये देखिएगा आप इसकी पहचान कर लीजिएगा, पूरी बॉडी इसकी ब्लैक है, और ब्लैक पे ही वाइट वाइट पट्टीदार, ये देखिएगा ये पट्टी पट्टी जो है एक खींच के बाद ये
इसकी पहचान है, छोटा बड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है, 5-6 फुट तक जा सकता है। कई बार लोग इसको जो है घोड़े पछाड़ समझ लेते हैं, जबकि इसमें बहुत अंतर है। घोड़ा पछाड़ सांप होता है, नॉन वेनमस होता है और ये काफ़ी खतरनाक जहरीला होता है। दोस्तों, इस सांप का रेस्क्यू हमने तहसील परिसर से किया है रात में, और रात में इसको हम छोड़ नहीं पाए, तो अब जब सुबह हुई, सुबह का 6 बजे के आसपास का टाइम है, तो इसको हम यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। काफ़ी जहरीला खतरनाक सांप ये है, देखिए। चलिए बाबा, निकलिए। देखिए ये सांप है कॉमन ग्रेट, तो काफी खतरनाक और जहरीला होता है।